शहर की 28 सड़कों पर चलाया जाएगा सफाई अभियान। स्कूली बच्चे लेंगे हिस्सा। गुरुग्राम स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर गुरुग्राम में 25 फरवरी से एक महा स्वच्छ अभियान चलाया गया है, जो आगामी 4 मार्च तक चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 168 घंटों में शहर की गंदगी साफ की जाएगी। यह अभियान शहर की 28 सड़कों पर चलाया जाएगा। यह अभियान नगर निगम की ओर से चलाया गया है। बता दें कि अभियान में शहर भर के सभी स्कूली बच्चे भाग लेंगे। इस अभियान को 4 मार्च तक चलाया जाएगा, जिनमें हजारों की संख्या में लोग जुड़ेंगे। इस अभियान में कुछ NGO को भी शामिल किया गया है, जिससे सफाई अभियान को सफल बनाया जा सके। नगर निगम कमिश्नर की माने तो इस अभियान के तहत निगम के अधिकारी भी सभी जगहों पर मौजूद रहेंगे। वहीं इस अभियान के द्वारा स्कूली बच्चों के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से लोगों को बताया जाएगा कि आसपास के परिवेश में साफ सफाई रखने के क्या फायदे होते हैं, साथ ही अपने आसपास की परिवेश में सफाई होने से हमें कितना अच्छा लगता है। इस अभियान के माध्यम से सभी गुरुग्राम वासियों को ये जिम्मेदारी भी दी गई है कि अपने परिवेश को कैसे साफ सुथरा रखा जाए। गुरुग्राम निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने बताया कि अगर हम सभी अपनी जिम्मेदारी को समझने लगे तो पूरा शहर साफ एवं स्वच्छ बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शहर के अंदर फैली गंदगी को दूर करने के लिए इस तरह के अभियान को चलाया जा रहा है। तो एमएनएस न्यूज की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज के अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।